लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। इंसान पैसों के लालच में कितना गिर सकता है, इसका ताजा मामला नई मुंबई से सामने आया है। खारघर पुलिस ने शिपिंग कंपनी के एक लीगल कंसल्टेंट को अपने ही क्लाइंट से पैसों की उगाही और अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए विमल झा पर आरोप है कि उसने शिपिंग कंसल्टेंसी का काम नहीं देने पर अपने ही क्लाइंट का अपहरण कर लिया और नासिक ले जाकर जान से मारने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस उसके चार साथियों की तलाश में जुट गई है। खारघर पुलिस थाने परिसर में दिख रहे ये एक शिपिंग कंपनी के मालिक नवनाथ गोले हैं, जिन्हें खारघर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया है। नवनाथ गोले की माना तो उनके लीगल कंसल्टेंट विमल झा ने ही शिपिंग का काम नहीं देने पर अपहरण कर नासिक के एक फार्म हाउस में छुपा दिया था। आरोप है कि विमल झा ने गोले से 3 करोड़ की फिरौती मांगी और जब नहीं मिली तो जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह पकड़ा गया। कई दिनों की कैद से छूट कर निकले पीड़ित नवनाथ गोले ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। विमल झा नावाच्या वकिलाने माझ्याकडे 3 करोड़ रुपयाची खंडणी मागितली, ती खंडणी मी त्याला दिली नाही आणि देणार नाही असं बोलल्यानंतर त्याने माझं 2 तारखेला अपहरण केलं सीबीडी बेलापूरमधून, आणि सीबीडी बेलापूरमधून त्याने अपहरण केल्यानंतर मला गाडीमध्ये मी काही बोललो किंवा काही मी विचारलं तर ते मला मारझोड करायचे, विमल झा स्वतःहून सगळ्यांना सांगून ते मला मारझोड करायला लावायचे गाडीमध्येच। सीबीडी बेलापूरहून मला 3-4 ठिकाणी घेऊन गेले, कर्जत वरून मुरबाड, मुरबाड वरून मला आळेफाट्या मार्गे नाशिक या ठिकाणी मला घेऊन गेले, त्याच्या तिथेही मला सगळीकडे मारहाण केली मला, आणि माझ्याकडे 3 करोडची मागणी मला दे, तू 3 करोड रुपये दे आणि आत्ताच्या आत्ता तुझी प्रॉपर्टी किंवा हे सगळं जे आहे ते मला लिहून दे असं मला बोलून त्याने भरपूर मारहाण केली, आणि मारहाण करून मला फार्म हाऊसवरती मला माझे डोळे बंद करून मफलरीने बंद करून ते मला प्रत्येक जागी घेऊन गेले, वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या फार्म हाऊसला घेऊन गेले। इस मामले में खारघर पुलिस ने पहले मिसिंग और उसके बाद अपहरण का केस दर्ज कर जांच पड़ताल तेज कर दिया था। आरोपी के चंगुल से छूटे पीड़ित ने बताया कि विमल झा पहले अपहरण कर कल्याण ले गया, फिर मुरबाड़ और उसके बाद नासिक ले जाकर एक फार्म हाउस में छुपा दिया। हालांकि हरकत में आई खारघर पुलिस ने विमल झा की मोबाइल लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसे नासिक से गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल विमल झा जेल में है, लेकिन उसके चार साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। पीड़ित ने बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग की है। त्यानंतर मी स्वतः ही कंप्लेंट, आता तो जो विमल झा आहे ऍडव्होकेट तो आता आरोपी तो जेलमध्ये आहे, माझी ही मागणी आहे की पोलिसांकडून आणि न्यायदेवताकडून की माझं संरक्षण व्हावं आणि जे पण विमल झाला कठोर शिक्षा लागावी, आणि त्याच्याबरोबर जे चार त्याचे जे सहकारी होते त्या लोकांना पण पोलिसांनी अटक करून त्यांना पण कठोर टू कठोर शिक्षा लागावी ही माझी नम्र विनंती आहे। इस मामले का दूसरा पक्ष क्या है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। खारघर पुलिस का कहना है कि अभी जांच जारी है और बाकी आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद इसका और खुलासा जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।